कहिए कैसे हैं आप। कल जब खबर सुनी कि जलीकट्टू पर लगा हुआ बैन हटा लिया गया है तो मेरे को लगा कि मेरे को फटाफट अपनी फ्रेंड मनी से बात करनी चाहिए। एक्चुअली क्या था कि हम 2-3 दिन से इस बारे में बहुत डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बैन है ये कितना सार्थक है, या पुरानी जो संस्कृति है इसको सहेज के रखना कितना सार्थक है, या जानवरों को तंग करना कितना सार्थक है, या आप बैन मुझे मार, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हम मतलब एक एक घंटा बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मेरे को मनी से जरूर जाके बात करनी चाहिए। तो जब मैं मनी के जाने के लिए निकली तो मैंने देखा कि उसके घर के आगे ना 3-4 बड़े बड़े बैल सांड टाइप वो बैठे हुए हैं। तो मेरे को डर लगा क्योंकि डर तो लगता ही है, तो भारी भरकम होते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, क्योंकि ये रूटीन है यहाँ पे, जिस सड़कों पे भी घूमते मिल जाते हैं, इधर उधर भी मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे, अभी 10 मिनट बाद दोबारा देखती हूँ। तो जब मैं 10 मिनट बाद दोबारा निकली तो 2 और आ गए थे, और 2 तो उसमें सड़क के बीच पे भी बैठे हुए थे आराम से, और गंदा भी कर रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे, ऐसे सींग से निकाल के आपस में लड़ रहे थे। तो मुझे तो लगा डर, तो मैंने सोचा कि मैं तो मनी को फोन ही कर लेती हूँ। मैंने उसको फोन किया तो जो मनी ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। मनी ने बताया कि कल उसके घर गेस्ट आए हुए थे, रिलेटिव आए हुए थे। तो जैसे खाना की तैयारी कर रही थी वो, सब्जियां वगैरह तो जैसे होते ना मटर, मेथी, आलू, गोभी, मतलब इस तरह के छिलके बहुत इकट्ठे हो गए, जैसे छिलके जो छिलके होते हैं, तो वो उसको डस्टबिन में फेंकने लगी मनी। तो इतने में जो उनकी रिलेटिव थी उन्होंने बोला कि तुम शहर में रहते हो तुम दान पुण्य तो कुछ करते नहीं हो, कम से कम कुछ पुण्य कमा लिया करो। तो उसने बोला कि कैसे, तो उसने बोला कि ये जो छिलके हैं ना इसको डस्टबिन में मत फेंको, इसको बाहर सड़क पर फेंको ताकि जानवर खा ले, किसी का तो भला होगा। तो मनी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस फेवर में नहीं रहती, तो मनी को ना चाहते हुए भी छिलके सड़क पर फेंकने पड़े, अपने गेट के बाहर रखने पड़े कि जानवर खा लेंगे। तो मनी जैसे मेरे को बता रही थी, वो बता रही थी कि जैसे मैंने छिलके रखे 2 बड़े बड़े सांड पता नहीं कहाँ से आ गए, जो बैल थे बड़े बड़े भारी भरकम, और उनके देखा देखी 2 और पीछे से आ गए और सींग लगा के लड़ते हुए, मतलब जो मनी ने देखा जो उसने बताया कि 2 तो लड़ते हुए आ गए। अच्छा फिर और 3 और आ गए और वो सड़क में बैठ गए, क्योंकि उस समय थोड़ी सी धूप भी निकल गई थी और उन्होंने सोचा कि आराम से यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, और 2 तो बिल्कुल गेट की तरफ मुंह करके खड़े हो गए कि शायद और आएगा। अब मनी ने बोला है कि उसका घर से निकलना मुश्किल है, एक बार जब वो झांकी थोड़ा सा बाहर देखने के लिए तो एक बच्चा जा रहा था, और वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब वो लड़ रहे थे और उनके बीच में से बच्चा बहुत मुश्किल से डर मतलब गिरता हुआ वो भाग के निकला, क्योंकि वो मेन सड़क रुक गई और जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब गुस्से में देख रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या हाल बना रखा है। तो अब मैंने मनी को बोला कि अब तो बिल्कुल तुम तो बिल्कुल ही मत निकलना, और मैं अभी नहीं आ रही जब तक ये चले नहीं जाते। पर मैंने उस समय तो मैंने फोन रख दिया, पर मैं ये सोच रही थी कि जलीकट्टू पर जो बैन हटा वो सार्थक है या कितना सार्थक है ये तो पता नहीं, पर इस चीज पे बैन जरूर लगना चाहिए कि जो हम चीजें खाने पीने की चीजें होती हैं इस तरह से घर के बाहर फेंक देते हैं और आने जाने वालों को दिक्कत होती है, जानवर वहीं बैठ जाते हैं, तंग करते हैं, सड़क गंदी करते हैं, जैसे गोबर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें न्यूसेंस से क्रिएट हो जाती है, तो इस चीज पे जरूर बैन लगना चाहिए। वैसे आपके क्या विचार है इस बारे में जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल रखिए, बी पॉजिटिव।